नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया तथा सामाजिक जगत, राजनीति तथा अपराध जगत की खास खबर। हरियाली के कातिल और उनको संरक्षण देने वाले अधिकारी पहले इन तस्वीरों को देख लें। इन तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री पर्यावरण बचाने के लिए खुद से वृक्षारोपण कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे देश में एक अभियान की तरह इस पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान का रूप दिया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस पर्यावरण के लिए काफी चिंतित हैं और खुद से पर्यावरण के लिए वो वृक्षारोपण कर हरियाली को बचाने का प्रयास और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का प्रयास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास, ये सभी प्रयास उस वक्त विफल होते नजर आ रहे हैं जब हरियाली के दुश्मन हरियाली पर खुलेआम अधिकारियों के संरक्षण में आरे चलाते देखे जा सकते हैं। हरियाली के दुश्मन दिन दहाड़े हरे पेड़ों पर आरा चला रहे हैं, जिसके चलते सरकार और सामाजिक संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास बेमानी साबित हो रहे हैं। हरियाली के दुश्मन अपनी सुविधा के लिए हरे भरे पेड़ों पर बेरोक टोक और बेखौफ होकर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हरे पेड़ों की अवैध कटान को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या तो वन माफियाओं से मिले हैं या फिर बेफिक्र होकर अपनी जेबें भरने में लगे हैं। ताजा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के कस्बा बीसलपुर का, जहां बीसलपुर रेंज के अंतर्गत ग्राम दिवरिया कला में राजकुमार सिंह के खेत में खड़े सागौन के पेड़ों से 30 पेड़ों का परमिट जारी किया गया था, जबकि मौके पर लगभग 100 वृक्षों को काट कर जेवीसी से उनकी जड़ों को उखड़वा दिया गया। इस संबंध में क्षेत्रीय बंदरोगा राकेश चंद्र शर्मा से बात करने पर पता लगा कि मौके पर परमिट शुदा वृक्षों के अतिरिक्त कोई अवैध कटान नहीं हुआ है, जबकि मौके पर मौजूद गड्ढे चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर हरियाली के दुश्मनों ने कत्लेआम किया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है कि जिस सूबे का मुख्यमंत्री खुद पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संभालने के लिए रात दिन अथक प्रयास कर रहा हो और उसके ही अधीन उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में डूब कर वन माफियाओं से मिलकर हरियाली की कत्लेआम कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गौरतलब हो, सुंदरीकरण की योजना में हरियाली का बड़ा अहम योगदान होता है, लेकिन दिवरिया कला में हरियाली पर संकट छाया हुआ है। हरियाली प्रकृति का आभूषण है, लेकिन यहाँ हरियाली के दुश्मन कुदरत का सुहाग उजाड़ने पर पूरी तरह आमादा हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने इस विभाग पर अंकुश लगाना होगा। को गौर से देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कई पेड़ों को काट कर उनका समूह नष्ट कर धरातल से कर दिया गया है। यही नहीं, पेड़ों को काट कर उन पर मिट्टी और घास फूस डालकर हरियाली के दुश्मनों ने अपने कुकृत्यों को छुपाने का प्रयास किया है। लेकिन आप तो तस्वीरें देखकर सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हरे भरे वृक्षों का कत्ल हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों हरे भरे पेड़ों को काट कर उनका समूल नष्ट कर दिया गया है। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई या कोई समस्या है
और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।